नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल यू आर गॉड। और इस YouTube चैनल में मैं आपको अपनी अलग अलग आध्यात्मिक अनुभूतियाँ बता रहा हूँ। देखिए, मैंने अपनी विभिन्न अनुभूतियों में आपको ये बताने की कोशिश की कि कैसे भगवान कल के अवतार जो हैं वो इस संसार में काम कर रहे हैं, और अब वो कथा प्रवचन का विषय नहीं रह गए, वो एक सच्चाई बन चुके हैं। और योग तपस्या के दौरान विभिन्न संसार के विभिन्न हिस्सों में लोगों को दर्शन दे रहे हैं, और न सिर्फ दर्शन दे रहे हैं बल्कि बातचीत भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको अपनी एक और अनुभूति बताने वाला हूँ, और उस अनुभूति में मैं आपको बताऊंगा कि एक बार भगवान कल्कि अवतार ने मुझे दर्शन दिए, और मैंने देखा कि वो किसी ग्राउंड में कुर्सी पर चेयर पर बैठे हुए हैं, और सामने एक बिल्डिंग थी, एक मकान था। उस मकान के ऊपर छत पर एक लड़का ध्यान में चला जा रहा है, मतलब उसकी आंखें बंद थी और पैदल चला जा रहा है, और जा रहा है, वो छत की बिल्कुल किनोर पर पहुंच गया और गिरने वाला है, कूदने वाला है, सुसाइड टेंडेंसी जैसी बात होती है ना। हालांकि वो ध्यान में था, गहरे ध्यान में था, आंखें बंद थी उसकी, तो वो कूदने वाला था इस प्रकार से। तो जो नीचे कुर्सी पर कल्कि अवतार भगवान बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जाओ उसको रोको, और फिर उन्होंने कहा भगवान कल्कि अवतार ने कि वहां पर जो कुछ लोग थे उन्होंने कहा कि आप अंदर जाइए, अंदर हम संभाल लेंगे उसे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं यहीं बैठूंगा। फिर उन्होंने कहा कि मैं तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगा, ऐसा कहा उन्होंने। ये अनुभूति हुई मुझे हुई, और ये सारा का सारा दृश्य मैंने देखा, जो मैं बिल्कुल वैसा का वैसा आपको बता रहा हूँ। और इसका क्या और अर्थ हो सकता है उसके बारे में आप लोग चिंतन कीजिए, पर ये एक सत्य है। इसके बारे में मेरी लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको बताता हूँ, मुझे याद आया है। देखिए, हुआ क्या कि एक बार जब योग तपस्या के दौरान जब मेरे बुरे हालात थे, और रेडिएशन का जो मैं भयानक तकलीफ और दर्द सहन कर रहा था, इसके बारे में मैं पुराने वीडियोस में बता चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाइए और मेरे पुराने वीडियोस देखिए, जिनमें मैंने इस बारे में कुछ कहा है और बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि योग तपस्या के दौरान किस प्रकार की भयानक अनुभूतियाँ होती हैं और कितनी तकलीफ सहन करनी पड़ती है जो लोग योग तपस्या करते हैं उन्हें। और ये प्राचीन काल से चला आया है, ये कोई नई बात नहीं है, अभी ऐसा हमेशा होता है। तो देखिए, जब वो समय चल रहा था तो मैं एक मंदिर पे गया, उसे मंदिर कह लीजिए, आश्रम कह लीजिए, या वो उसमें बड़ा सा घास का मैदान है और बीच में एक बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें मंदिर है। तो मैं उसकी छत पर बैठा हुआ था, और छत पर मैं एक पत्थरों का एक बना हुआ था, एक डोली जैसी बनी हुई थी, उस पर बैठा हुआ था। और मेरी हालात बहुत ही बुरे थे उन दिनों, तो मैं एकदम से हल्के से बेहोशी में चला गया, बेहोशी कमजोरी की वजह से, क्योंकि वो समय था जब मुझे भयानक रूप से भूख सहन करनी पड़ रही थी, तकलीफ सहन करनी पड़ रही थी। तो मैं इस प्रकार से हल्की सी बेहोशी में चला गया और नीचे गिरने वाला था, और मैं नीचे गिर करके, क्योंकि बिल्कुल किनोर पर था मैं, वो जो डोली थी वो बिल्कुल किनोर पर थी छत के, तो मैं हो सकता है मैं बिल्कुल नीचे गिरने वाला था, ऊपर से नीचे गिर जाता।